नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज के इस क्लास में हम ये समझेंगे कि वर्तमान में रसिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान जो एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखने को मिली इंडिया और चाइना में, वो है उनके फंसे विद्यार्थी। ऐसे स्टूडेंट जो बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं और जब भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई समस्या होती है तो वो हर बार उसके शिकार हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कारण है कि भारतीय छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर पढ़ते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है इंडिया में, और वो कितनी बड़ी एक अर्थव्यवस्था को कंज्यूम करते हैं जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और किस तरीके से उसे हम अपने पक्ष में करके फायदा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इस क्लास में समझेंगे। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूक्रेन और रसिया के वार में बहुत सारे भारतीय छात्र फंस गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 20,000 स्टूडेंट अभी की स्थिति में भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब सोचिए कि एक तरफ से बम फूट रहा है, गोला फूट रहा है, वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि यूक्रेन सरकार ने उनको अंडरग्राउंड कहीं करके रखा है, जो है कि जहाँ पर बम वगैरह का असर कम हो, फिर भी वो फंसे तो नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि आंकड़े क्या हैं, भारत के जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं उनके आंकड़े क्या हैं। तो अगर वर्तमान आंकड़ों पर आप नजर डालें तो करीब 7,70,000 ऐसे विद्यार्थी हैं भारत के जो भारत से बाहर पढ़ाई करते हैं। ये वर्तमान जो है आंकड़ा है, अभी जो 2021-22 का चल रहा है इसका आंकड़ा है। करीब 7,70,000 स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करते हैं, इंडियंस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर एक आंकड़े पर अगर ध्यान दें आप, 2016 में ये जो संख्या है ये 4,40,000 थी। क्या थी? 4,40,000, और यह अब बढ़ करके करीब 7,70,000 हो गया, यानी कि 20% का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिला है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार विदेशों में पढ़ाई करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। कई लोग इसके जवाब में ये कहेंगे कि हो सकता है वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती हो इसलिए जाते हों, या फीस कम लगता हो इसलिए जाते हों। जरूर ये सभी कारण एक साथ लागू होते हैं जब कोई बाहर पढ़ने जाता है। आप सोचिए, आप घर से बाहर बेवजह क्यों निकलेंगे अगर आपको सारी चीज़ें आपके घर में ही मिल जाएं? यानी कि कहीं ना कहीं कोई कमी है तभी बाहर उनको जाना पड़ रहा है। कमी किस प्रकार है आप देखेंगे यहाँ पर, तो अभी जो टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में, उनमें कोई भी भारतीय कॉलेज या जो है यूनिवर्सिटी नहीं आता है। दुनिया के टॉप 100 देशों में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से भारत कहीं नहीं है, यानी कि एक भी कॉलेज ऐसा भारत का नहीं है जो उनके लिस्ट में आता हो। दूसरी चीज़ देखेंगे फीस रेट। अगर आप इंडिया में फीस रेट देखें तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो इतना ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं कि फीस सुन के भी आपके होश खराब हो जाएंगे। अगर एक एवरेज मेडिकल का स्टूडेंट जो कि 12वीं के बाद मेडिकल की तैयारी करता है और वो मान लिया एक कोचिंग कर लेता है मात्र एक साल के लिए, अगर वो इंटरमीडिएट के बाद में नीट एग्जाम देने के लिए जो कि पूर्व में CPMT हुआ करता था, उसका अगर तैयारी मात्र कर ले तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा उसका आ जाता है। कितना? 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अब आप सोचिए कि इंडिया जहां पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर की संख्या ज्यादा है, वहां पर 2 से 2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये काफी मायने रखता है। तो एक साल अगर तैयारी किया तो 2.5 लाख, और इसी रेट में आप सोच लीजिए कि कम से कम कितना वर्ष तैयारी करने के बाद में नीट एग्जाम निकलता है। और एग्जाम मान लीजिए एक बार निकल भी गया तो कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर कंज्यूम वो हो सकते हैं। आंकड़े पर ध्यान देते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक आंकड़ा है 2021-22 का। इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो 8,120 सीट 2021-22 के सत्र में है, किसके लिए? MBBS के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। और मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? 596। अब आप ये सोचिए कि कितने छात्र तैयारी करते होंगे मेडिकल की। आप आंकड़ा जान के बहुत हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये जितनी सीटें आपको दिख रही हैं इतना आपको एक शहर में तैयारी करने वाले मिल जाएंगे।
अगर आप 2-3 बड़े शहरों को उठा लीजिए तो संख्या आपको 5 लाख के पार जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी कि लाखों की संख्या में मेडिकल की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं लेकिन सीटों की संख्या बहुत कम है। तो ये सारे रीजन एक साथ, कॉलेज अच्छा ना होना, मेडिकल जो स्टूडेंट है उनकी फीस बहुत ज्यादा होना, यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जो छात्र सरकारी कॉलेज को, कॉलेज की सीट को नहीं पा पाते क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, तो वो प्राइवेट कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्राइवेट कॉलेजों से। अब ऐसे में जो भारत में प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस आप कल्पना करिए 1 करोड़ के आसपास तक भी है। स्टार्ट हो जाता है 50-60 लाख से लेकिन टोटल खर्चा 1 करोड़ के आसपास आ जाता है। MBBS की डिग्री लेने में अगर कोई मिडिल क्लास इंडिया में सोच लेना तो उसको अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा, कुछ बचेगा नहीं उसके पास, इतनी महंगी है। और यही सारे रीजन हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो भारी मात्रा में आपको यूक्रेन में, इसके अलावा वो रसिया में आपको मिलेंगे, इसके अलावा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उनका खर्चा आता है MBBS करने का वो हार्डली 15 से 20 लाख में हो जाता है। 15 से 20 लाख में उनको MBBS की डिग्री वहाँ से मिल जाती है। ऐसे में छात्रों के लिए ये सुविधाजनक हो जाता है, इसीलिए भारी मात्रा में छात्र आपको आउट ऑफ इंडिया जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर डिमांड होगा और उसका सप्लाई होगा तो रेवेन्यू तो जनरेट हो ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यही नियम है, सिंपल व्यापार का नियम यही है, डिमांड एंड सप्लाई, और उसके बाद में रेवेन्यू जनरेट हो प्रॉफिट के रूप में। तो यहां पर आप देखेंगे कि करीब करीब $24 बिलियन का इकोनॉमी वे करते हैं इंडियन स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया, यानी कि वो खर्चा करने जाते हैं कितना, $24 बिलियन का खर्चा करने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर। वो पैसा किसके खाते में जा रहा है? रसिया के, यूक्रेन के, कजाकिस्तान के खाते में जा रहा है, फिलीपींस के खाते में जा रहा है, चाइना के खाते में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है। वो पैसा जो इंडिया का है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने के लिए इन देशों में जा रहा है। और आप कहते फिर ये कि नहीं, भारत तो विश्वगुरु है, भारत तो विश्वगुरु, सबको विश्व, भारत ने पढ़ाया है। अरे भारत ने पढ़ाया था, कभी विश्वगुरु था भारत, लेकिन आज का भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, यहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी भारत विश्वगुरु बन पाएगा और अपने संसाधन को अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। सोचिए कि $24 बिलियन की इकोनॉमी कंज्यूम करते हैं वो स्टूडेंट जो भारत से बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं। और यहां पर डेटा जो है 1% ऑफ टोटल GDP, जो भारत सरकार का टोटल GDP है उसका 1% कंज्यूम हो जाता है मात्र 7 से 7.5 लाख विद्यार्थियों में। आप कल्पना करिए कि कितना भारी अमाउंट हमारे इंडिया से पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा है। अगर बुद्धिमानी पूर्वक इस $24 बिलियन का प्रयोग करके हम मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ा लेते हैं तो क्या ये पैसा बाहर जाएगा? नहीं। और अगर पैसा बाहर नहीं जाएगा तो क्या भारतीय छात्र बाहर जाएगा? नहीं। अगर कॉलेजों की संख्या यहां पर हो, इंडिया में हो, और उनका रेगुलेशन, हमेशा प्राइवेटाइजेशन में रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर प्राइवेटाइजेशन को बिना रेगुलेशन अच्छा बनाए कर दिया गया तो वो सिर्फ जनता का नुकसान कर सकता है, कभी फायदा नहीं। अगर अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन बनना है तो भारत को प्राइवेटाइजेशन पर जाने से पहले उसका अच्छा रेगुलेशन करना होगा, क्योंकि बंदर के हाथ में बंदूक अगर दे देंगे तो गोली किस तरफ चलाएगा उसे खुद नहीं पता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी यह है कि जब वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़े तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है, बराबर का चाबुक उसके ऊपर होना चाहिए कि जो मानक है उन पर खरा उन प्राइवेट संस्थाओं को उतरना चाहिए, तभी जाकर के उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन्हीं पैसों का अगर उपयोग करके मेडिकल कॉलेज इंडिया में बढ़ाए जाएं तो इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि कई बार कनाडा हो, चाहे यूक्रेन हो, या कोविड के टाइम पर बहुत सारे छात्र फंस गए, और इसमें इंडिया के एयरफोर्स का बहुत सारा रिसोर्सेस खर्च होता है उनको वापस लाने के लिए।
सोचो जो है अब गंगा अभियान चल रहा है यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए, तो इसमें भी तो खर्चे लग रहे हैं। अगर ऐसा हो कि बहुत नाम कम मात्रा में एक आध प्लेन में आने वाले होते तो उनको दो बार में ले आते, 20-20, 30-30, 40-40 हजार के देश में फंसे हुए हैं तो उनको लाना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो कि भारत से बाहर भारत के लोग हैं, उनका क्या योगदान है भारत में। तो अगर देखेंगे भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के शब्दों में अगर कहें, तो जो भारत के लोग भारत से बाहर जाते हैं, वो चाहे स्टूडेंट हों या कोई और स्कॉलर हों या जो है जॉब करने जाते हैं, तो उनको भारत का ही ब्रांड एम्बेसडर कहा सुषमा स्वराज ने। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर से कुछ अच्छा सीख करके आते हैं और वहां से कमा कर भी लाते हैं और उसका योगदान करते हैं अपने जीडीपी में। तो जो सुषमा स्वराज जी थी पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने हर भारतीय को जो भारत से बाहर जाकर कुछ कर रहा है उसको भारत का ब्रांड एम्बेसडर कहा। यहां पर मैं ये भी जोड़ दूं कि ब्रिटेन और भारत की सरकार, ये आपस में जो इंडियंस हैं ब्रिटेन में, उनको जीवंत सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवंत सेतु कहते हैं। कहते हैं कि ये लोग जीवित रूप से एक पुल का निर्माण करते हैं ब्रिटेन और भारत के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो डायस्पोरा है, ये भारत को एक सॉफ्ट पावर दिलाने का काम करता है। क्या करता है? सॉफ्ट पावर दिलाने का काम करता है। जब भारत कहीं पर डिप्लोमेटिक डील कर रहा होता है तो कितने इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं, इसका बड़ा असर होता है। क्योंकि वो पर्टिकुलर देश भी सोचता है कि अगर भारी मात्रा में लोगों ने कामकाज बंद कर दिया या उनकी सोच अगर इंडिया की तरफ है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को डिप्लोमेटिक लेवल पर देखने को मिलता है। तो सॉफ्ट पावर भारत का बढ़ जाता है। ज्ञान हस्तांतरण ओबियस सी बात है, और राहुल सांस्कृतायन कहते थे कि आप जितना घूमेंगे दुनिया में, जितनी चीज आप देख लेंगे, आपका ज्ञान उसी क्रम में, उसी दर में, और या गणितीय भाषा में कहें तो गुणोत्तर श्रेणी में आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो घूमने से, नई नई चीजों को देखने से ज्ञान जरूर बढ़ता है। तो जब कोई बाहर जाता है तो वहां से कुछ सीख करके आता है, हालांकि अपना भी कुछ सिखा के आता होगा। तो ज्ञान हस्तांतरण हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी कि वो पैसा जो भारतीय लोग बाहर कमाते हैं और उसे इंडिया भेजते हैं। रेमिटेंस जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आउट ऑफ इंडिया काम करके डॉलर में, रूबल में और दिनार में पैसा कमा के इंडिया को भेजते हैं, जिससे इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो मजबूत होता है। तो रेमिटेंस भी एक बहुत बड़ा जो है योगदान करता है भारत के फॉरेन रिजर्व में। और ये फायदा किससे मिल रहा है? इंडियन डायस्पोरा से जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो चाहे स्टूडेंट के रूप में हों, वो चाहे नौकरी करने वाले हों, वो चाहे रिसर्च करने गए हों, उनका फायदा मिलता है। अब कुल जमा बात क्या है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसको आप समझिए कि इस क्लास को जब हम क्लोज करें तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि सरकार क्या कर दे तो ये सारी चीज़ें सही हो जाए। एक तो मेजबान देशों की भूमिका पर बात होनी चाहिए। जैसे अगर रूस में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो हमारा उनसे एक डील होना चाहिए कि वो उनको प्रोटेक्शन दें, और हर परिस्थितियों में प्रोटेक्शन देने के लिए लिख करके दें कि वो प्रोटेक्शन देंगे। इस पर इंडिया और फला देश जो भी है उसका एक अच्छा जो है एक कह सकते हैं कि एक मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हो जाने चाहिए कि हाँ आप सुविधा देंगे। दूसरी बात क्या है? सुरक्षा जाल बनाने की जरूरत है। सुरक्षा जाल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें इंडिया का स्टैंड रसिया की तरफ है कि यूक्रेन की तरफ है, इसके विपरीत जो आसपास के देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसा वर्क फ्रेम बनाए जिससे कहीं का भी स्टूडेंट हो तो उसको आसानी से निकाल लिया जाए अगर वो किसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो इस पर बात करें। और इसके अलावा छात्र बीमा, किसी दुर्घटना से पहले छात्रों का बीमा होना चाहिए ताकि जो उन पर डिपेंडेंट लोग हैं अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। और जो सबसे जरूरी चीज है, पांचवें नंबर पे, मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाया जाए। अगर भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ये छात्र कम मात्रा में बाहर जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में निवेश,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको आने वाले समय में दुनिया में अपना स्थान विश्व गुरु वाला बनाना है तो आपको उच्च शिक्षा में निवेश करना ही होगा, और भारत सरकार अगर इसमें पीछे रहती है तो आने वाला समय हमें पीछे कर देगा। इसलिए अगर ये बदलाव भारत सरकार इस पर विचार करती है, इसको करती है, तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको देख करके आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।